आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। भारत देश भले ही पुरुष प्रधान देश हो, लेकिन महिलाओं को पूजा जाता है। कहा जाता है जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन आज के दौर में महिला उत्पीड़न की घटना बढ़ती ही जा रही है। जहां पहले बहू को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता था, वहीं वर्तमान स्थिति में घर की लक्ष्मी को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया जाता है और भांजे भांजी का दर्जा भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के परिवेश में रिश्तों को तार तार करने से लोग बाज नहीं आ रहे। ग्राम छिपा के वर्मा परिवार बचपन से ही अपने नाना नानी मामा की छत्र छाया में रहकर बड़ा हुआ और अब भांजे की शादी भी हो गई। लेकिन अब सगे भांजे की पत्नी यानी भांजी बहू को मामी सास और अन्य के द्वारा जबरदस्त मारपीट की गई। महिला के सर से बाल उखाड़ दिए गए। चीखती चिल्लाती रही लेकिन कोई मदद नहीं की गई। जब पीड़ित पुलिस का सहारा लेने पहुंची तो पुलिस ने FIR दर्ज की, लेकिन कार्रवाई शून्य बटे सन्नाटा थी। पीड़ित पति पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप बीती बताई। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए छत्तीसगढ़ से स्ट्रेट हेड सन्नी वर्मा की रिपोर्ट। उन्नीस तारीख की बात हुई है, अभी अप्रैल मतलब ये वाले 19 के, जब मोर मिस्टर जो है बच्चा मतलब स्कूल छोड़े पर गे रही से, तो मोर मामी सास जो है इसे और सब सामान मैं लेती थी फेंकत रही से और कुछ कुछ सामान जो है ना वो लेगत भी रही से, तो मेरे मन मतलब मना करे हूँ कि ऐसे मत कर फेंक मत ऐसे करके, तो सीधा ना मोर मतलब मोर बाल धरी से और सीधा इसे फट से और इसे इसे नोचे लगी और सीधा ज़मीन में गिरा दी और आँख वगैरह लभी मारे रही से, तो आँख ना पूरा ये जो सफ़ेद हिस्से है ना वो पूरा लाल हो गई से, खून जम गई से। यहाँ वो बाग साहब जो है ना वो थाना के डोंगरगढ़ थाना से बाग साहब जो है वो देखी से कि सच में मतलब एक आँख सूझ गई ऐसे करके, जब मैं केस करे ला हूँ तो और वोकर बाद से फिर कोई एक्शन भी नहीं। देखो मेरे बाल पूरे यहाँ से उखाड़े ये दे, यहाँ से इतना पूरा जड़ से निकले है, ये दे पूरा जड़ से निकले है। छिपा फोन दिनांक 21/8 को प्रार्थी पूर्णिमा वर्मा पति कमलेश वर्मा ये छिपा की है रहने वाली और यहाँ के रिपोर्ट लिखाई थी कि इसकी मामी जो है मामी सास ये घरेलू बात को लेकर आपस में मारपीट हुए हैं, जिस पर 294/5/6 में कायम किया गया था। और दूसरे दिन फिर उसके नाना जो है नाना ससुर वो आके यहाँ रिपोर्ट लिखा है कि बाहर थे और इसलिए रिपोर्ट ही लिखा नहीं सके थे और ये दोनों के बीच हुआ था करके, ये उसको मारी थी वो उसको मारी थी, तो इसमें FIR है यहाँ पे और अभी विवेचना में है।